जय श्री कृष्णा साथियों, आशा है आप सभी कुशल मंगल से होंगे। चाणक्य नीति में इस समय हम वीडियो की सीरीज कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हम जानेंगे कि आचार्य चाणक्य के अनुसार माता और पिता के अपने बच्चों के प्रति क्या दायित्व हैं और माता और पिता को अपने दायित्वों का निर्वहन किस प्रकार करना चाहिए। इसी सीरीज में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आचार्य चाणक्य के अनुसार कैसी संतान होने से बेहतर है कि माता पिता निसंतान रहें। साथ ही जानेंगे कि बच्चों के लालन पालन की चार महत्वपूर्ण बातें क्या हैं जिनका प्रयोग हर माता पिता को करना चाहिए। तो आइए आज की वीडियो पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इस विषय पर चाणक्य नीति के कुछ श्लोक पर चर्चा करते हैं, फिर सम्मिलित रूप से इन श्लोक से निकले गए चार महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जिनका पालन करना हर माता पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले श्लोक में जानते हैं कि जुड़वा बच्चों के स्वभाव में अंतर क्यों होता है। एकोदर संबुधता एक नक्षत्र जातका ना भवंती समा शीले यथा पदर कंटका। अर्थात एक ही नक्षत्र अथवा एक ही समय में और एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न जुड़वा बच्चे भी समान स्वभाव के नहीं होते। उदाहरण के लिए बेर के वृक्ष में पेड़ के फल भी उत्पन्न होते हैं और कांटे भी उगते हैं, पर उन दोनों का स्वभाव भिन्न है। फल तो लोगों को स्वाद और तृप्ति देते हैं, परंतु कांटे चुभन पैदा करने के रूप में दुख देते हैं। इस श्लोक के अनुसार एक ही समय में एक ही माँ से जन्मे जुड़वा बच्चों के स्वभाव में बहुत अंतर हो सकता है। आपने कई मूवी में ऐसा देखा होगा, जैसे मूवी राम और श्याम या मूवी सीता और गीता इत्यादि। वास्तव में अंतर बच्चों के लालन पालन का होता है, अंतर बच्चों की परवरिश का होता है, अंतर बच्चों की संगति का होता है, अंतर उन गुणों का होता है जो माता पिता अपने बच्चों को देते हैं, और अंतर बच्चों की उन मानसिक स्थिति का होता है जिससे बच्चा समाज से गुणों को ग्रहण करता है। यह बात भी आपने कई मूवी देखी होगी, जो बच्चा डाकुओं के पास पहुंच जाता है वह डाकू बन जाता है, और जो बच्चा अच्छे समाज में रहता है वह समाज के लिए अच्छा उदाहरण बनता है, वही फिल्म का हीरो होता है। आइए अब जानते हैं कि बच्चों का लालन पालन कैसे करना चाहिए। दर्शन ध्यान सन स्पर्श मत्स्य कुर्मी चा पछड़ी शिशु पाल्यते नित्यम यथा सज्जन संगति। अर्थात जैसे मछली दृष्टि से, कछुआ ध्यान देकर और पंछी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही संत जन पुरुषों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। इस श्लोक के अनुसार हमें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए, और यह भी देखना चाहिए कि बच्चे योग अध्यापक की निगरानी में रहें, उनके अनुशासन में रहें और बच्चों की संगति अच्छी हो। लेकिन बच्चे योग अध्यापकों की निगरानी में रहना पसंद नहीं करते। साधु भस्यते निर्वंतन्ते पुत्र मित्राणि बांधवा ये चातः सह गंता इष्ट धर्मा तो सुकृतम कुलम। अर्थात पुत्र मित्र सगे संबंधी साधुओं को देख कर दूर भागते हैं, लेकिन जो लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं उनमें भक्ति जागृत होती है और उनके उस पुण्य से उनका सारा कुल धन्य हो जाता है। इस श्लोक के अनुसार बच्चे स्वतंत्र होकर खेलना पसंद करते हैं, इसीलिए बच्चे अध्यापकों की निगरानी से बचना चाहते हैं, लेकिन हमें कड़ाई से बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चों के मन में पढ़ाई के प्रति इच्छा जागृत हो और वो कुल को सम्मानित कर सकें। लालना दहो दोषा इस्ता डने बहो गुणा तस्मा त पुत्र च शिष्यम च ताड़ेत्र तू
लालेत, अर्थात लाड़ प्यार से बच्चों में गलत आदतें डलती हैं, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसीलिए बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर दंडित करें, ज़्यादा लाड़ ना करें। इस श्लोक के अनुसार अगर बच्चों को सही मार्ग में लाना है तो उन्हें ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं देना चाहिए, उन्हें कठोर अनुशासन में रखना चाहिए, इससे बच्चों का गोल से ध्यान ना भटके। आइए अब जानते हैं कि किस उम्र के बच्चों को लाड़ प्यार करना चाहिए और किस उम्र के बच्चों को कठोर अनुशासन में रखना चाहिए और किस उम्र के बच्चों के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। लालेत पंच वर्षाणी दस वर्षाणी ताड़ेत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्र वदा चरेत, अर्थात 5 वर्ष तक के पुत्र को लाड़ एवं प्यार से पालन करना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराएं, लेकिन जब वह 16 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान व्यवहार करें। इस श्लोक के अनुसार 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को खूब लाड़ प्यार करें, 5 से 16 साल तक बच्चों को कठोर अनुशासन में रखें, लेकिन जब बच्चा 16 साल से बड़ा हो जाए तब उसके साथ अनुशासन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस उम्र के बच्चे समझदार हो जाते हैं, इनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करें। मूर्ख चिरायु जातो पनी तस्मा जाजात मृतो वरा मृत सा चाल्प दुखाय यावत जीव जड़ो दहेत, अर्थात एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो क्षण के लिए दुख देता है, लेकिन दूसरा बालक उसके माँ बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। इस श्लोक के अनुसार मूर्ख अशिक्षित बच्चे के दीर्घायु होने से बेहतर है कि माता पिता ही संतान है, अर्थात उनके कोई भी बच्चा ना हो, क्योंकि मूर्ख बच्चा माता पिता को जीवन भर दुख देता है। यहाँ मूर्ख से आशय पागल बच्चे से नहीं बल्कि उस बच्चे से है जो अशिक्षित है, इसे समाज का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे बच्चे समाज को कोई भी योगदान नहीं देते और परिवार पर एक बोझ की तरह होते हैं और माता पिता को जीवन भर दुख देते हैं। अब सम्मिलित रूप से इन सभी श्लोकों के अर्थ पर चर्चा करते हैं और उन 4 महत्वपूर्ण बातों को निकालते हैं। पहला, जुड़वा बच्चों के स्वभाव में अंतर होता है, यह अंतर उनकी मानसिक स्थिति और लालन पालन का होता है। दूसरा, इसीलिए माता पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चों को योग अध्यापकों के पास भेजें और अच्छी संगति में रखें। तीसरा, बच्चे योग अध्यापकों की निगरानी में रहना पसंद नहीं करते, इसीलिए उनका लालन पालन लाड़ प्यार से नहीं बल्कि कठोर अनुशासन से करना चाहिए। चौथा, आचार्य के अनुसार 5 साल की आयु तक के बच्चों को खूब लाड़ प्यार करें, 5 से 16 साल तक के बच्चों को कठोर अनुशासन में रखें, लेकिन जब बच्चा 16 साल से बड़ा हो जाए तो उसके साथ बिल्कुल अनुशासन नहीं रखना चाहिए। साथियों, इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लेकर कोई भी सलाह या सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि यह वीडियो किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि माता पिता को अपने बच्चों को कैसे शिक्षित करना चाहिए जिससे वे मूर्ख ना रहें। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।